बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FBR की तरफ से एक ये मैसेज है जो कि बहुत सारे लोगों को उनके मोबाइल्स पे सेंड किया जा रहा है। तो ये जो मैसेज है, ये अगर किसी भी नॉन फाइलर को मिलता है तो उस नॉन फाइलर के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी नॉन फाइलर को अगर ये मैसेज मिलता है तो इस मैसेज की वजह से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आपने फाइलर होना है। ये एक जनरल मैसेज है जो तमाम नॉन फाइलर फाइलर्स को एक लिस्ट बना के उन फ़ोन नंबर्स की FBR सेंड कर रहा है। उनको नहीं पता ये किस किस को जा रहा है। ठीक है जी, अगर किसी फाइलर को ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, फाइलर को अगर ये मैसेज जा रहा है तो उसने क्या करना है। फाइलर जो है, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो सिंपली वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, और अगर उसने रिटर्न फाइल कर दिया है ऑलरेडी तो फिर इस मैसेज की वजह से बिल्कुल भी फाइलर हजरात परेशान ना हो कि हमने तो रिटर्न फाइल कर दिया है और बाद में हमें मैसेज आ गया है। ये जो मैसेज है ये तकरीबन एक महीने से मुख्तलिफ जो नंबर की सीरीज़ हैं उनको आ रहा है। कुछ लोगों को एक महीना पहले आया है, कुछ लोगों को एक हफ़्ता पहले आया है, मुझे ये परसों मौसूल हुआ है और अनरजिस्टर्ड नंबर पे मुझे ये मैसेज आया। मैं भी काफ़ी हैरान हुआ हूँ कि अनरजिस्टर्ड नंबर पे कैसे मैसेज आ गया। तो FBR ने बेसिकली नंबर्स की लिस्ट प्रिपेयर की हुई हैं, उन लिस्ट्स को ये मैसेज भेज रहा है। इस मैसेज की वजह से परेशान ना हो, ख़ास तौर पे मैंने बताया जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो इस मैसेज की वजह से फाइलर होने के लिए दौड़े ना लगाएं। ठीक है,